हाय फ्रेंड्स, आई एम कौसर। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कौसर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है एनआईयूएस के स्टूडेंट्स के लिए, और आज हम लोग पढ़ेंगे एनआईयूएस 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मेरी जो वीडियो है, एक वीडियो मैंने बनाई है फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने सॉल्व कराया था एक्सरसाइज आपके 3.1 एंड इसके बारे में कुछ बेसिक बताया था। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। एंड अभी आपके अक्टूबर में एग्ज़ाम है, और अभी आपके 2020 में अप्रैल में भी बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, तो मैं मैथ की पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको तैयारी कराने की पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व करा रही हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में मतलब प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा ना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और आपके अगर कोई डाउट आते हैं तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स करके। मैंने इंस्टाग्राम लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन टर्म। पहले हम टर्म की बात करें तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था टर्म क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर 2xy दिया हुआ है, और मैं प्लस में यहाँ पर कर दूँ 3xy स्क्वायर, ठीक है, तो ये एक टर्म हो जाएगी, ये दूसरी टर्म हो जाएगी जो प्लस माइनस से जुड़ी हुई थी। अगर मैं माइनस में लिख दूँ 1/2xy, ठीक है, तो ये तीसरी टर्म हो जाएगी जो प्लस माइनस से जुड़ी हुई होती हैं, और लेकिन मल्टीप्लाई के साइन के साथ नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई में तो हम इसको एक टर्म मान ले, ये दूसरी टर्म तीसरी टर्म, नहीं, ये पूरी एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, जो प्लस माइनस से जुड़ी हुई होती है वो हमारी टर्म होती है। तो अगर हमें एक टर्म के बारे में बताना है, एक टर्म की डिग्री बतानी है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ 1/2xy, ये हमारी एक टर्म है, इसकी मुझे डिग्री बतानी है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? पहले हमें वेरिएबल देखना है, तो हमारा जो x वेरिएबल है इसकी डिग्री कितनी है? 2। जो y वेरिएबल है, इसमें यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 होता है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी टोटल? 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। x की डिग्री 2 है, y की डिग्री कितनी है? 1। तो टोटल डिग्री हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आपकी टर्म है इसकी डिग्री कितनी है? 3, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है कि अगर प्लस माइनस से जुड़ के टर्म आ जाती है, अगर इनको प्लस माइनस से जोड़ दिया जाए, जैसे कि 2x²y + 3yx, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि प्लस माइनस से आपको क्या कर दिए, ये टर्म आपकी क्या कर दी है, जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्स है, एक्स की जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है। यहाँ पर जो ये एक्स है इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, ठीक है। लेकिन सॉरी, यहाँ पर पहली वाली जो टर्म है 2x²y, तो इसमें अगर हम देखें x की डिग्री कितनी है हमारी? 2 है, और y की डिग्री कितनी है? 1। टोटल कितनी डिग्री होगी? 3। दूसरी वाली टर्म है 3yx, अगर इसमें देखें तो हमारे x की डिग्री कितनी है? 1, और y की डिग्री कितनी है? 1। तो टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। जो हाइएस्ट डिग्री होती है, हाइएस्ट पावर, ठीक है, दे भी रखा है, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द सेम एज द डिग्री ऑफ इट्स टर्म और टर्म हैविंग द हाइएस्ट डिग्री एंड नॉन जीरो कोफिशियंट। देखिए, यहाँ पर इन दोनों में से जो हाइएस्ट होगा, जैसे कि 3 है, तो ये क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की, इस वाले पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, ये डिग्री हो जाएगी। अगर आपसे पूछता है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, ठीक है। अब 3 और 2 5 नहीं करना है, जो हाइएस्ट होती है, ठीक है, हाइएस्ट होगी, एक्स वाई की पावर यहाँ पर 3 है, एक्स वाई की पावर यहाँ पर कितनी है? 2 है, तो हाईएस्ट कौन सी है? 3 है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर हमें समझ में आ जाएंगे अच्छे से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स, ठीक है। इन मोनोमियल्स, मोनोमियल्स मैंने बताया था कि जिसमें एक टर्म होती है, एक टर्म हमारी मोनोमियल होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म होती है जो प्लस माइनस से जुड़ी हुई होती है, सेकंड जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने बता रखा है, ट्रिनोमियल में 3 टर्म होती हैं। तो जैसे कि हमारे पास है 18/5x^7, तो इसकी डिग्री क्या होगी, x की पावर 7 है, तो इसकी डिग्री होगी इस टर्म की 7।
तो डिग्री ऑफ 18 अपॉन 5 एक्स 7 इक्वल्स टू 7, द डिग्री ऑफ 7 बाई 8 की पावर वाई की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पर डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ डिग्री क्या होगी, देखिए अगर आपको 27 दे रखा है, वैसे मैं बोलूँगी मैंने पिछली वीडियो में सब चीज़ क्लियर कर दी थी, अगर यहाँ पर 27 दे रखा है तो मैं कर सकती हूँ एक्स की पावर 0, इससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ये मेरा क्या पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है। यानी कि एक्स की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो अगर मैं यहाँ पर 27 इंटू 1 कर दूंगी तब भी मेरा क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ, इसकी पावर कितनी है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर 27 की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, 0। मैं यहाँ पर इसको 0 से, एक्स की पावर 0 से इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। एक्स की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। जब मैंने इसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ जाएगा। तो 27 हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। इस केस में आपसे हाथ से ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, सिंपल हमसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है पूछने के लिए, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर रीराइट द फॉलोइंग मोनोमियल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द देयर डिग्रीज। अब इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है। इन्हें क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है माइनस के 3x की पावर 6। तो यहाँ पर अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 6, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 6। दूसरे में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है, 2/9x2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि x की पावर, हमें वेरिएबल की पावर देखनी होती है, x की पावर कितनी है, 2। फिर 9x दिया हुआ है तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1। यहाँ पर 25 माइनस 25 एक्स क्यूब दिया हुआ है तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 3। 2.5 दिया हुआ है तो यहाँ पर तो कोई वो होता नहीं है, इसे मैं मान सकती हूँ x की पावर 0, क्योंकि हमारा क्या नॉन जीरो है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, x की पावर कितनी है यहाँ पर, 0। तो हमें क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए 0 डिग्री किसकी है, इसकी, तो इसको पहले लिखेंगे 2.5, एक्स नहीं लिखना, 2.5 लिखेंगे। उसके बाद में 0 के बाद में 1 आ रही है 9x की, ये लिखेंगे। उसके बाद में है 2/9x2, इसकी पावर 2 है। फिर उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा 3 वाली पावर वाला, माइनस का 25x3। फिर उसके बाद में लास्ट में आएगा माइनस का 3x6। ये इस तरीके से हमने लिखना है यहाँ पर, इन्होंने लिख भी रखा है यहाँ पर 2.5। हमारी इसकी डिग्री क्या, 0 है, ठीक है, 0 डिग्री होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया इसकी डिग्री 0 हो सकती है। फिर 9x की पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है। x की पावर 3, x की पावर 4 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने ये लिख दी है, ठीक है। इस तरीके से हमें लिखनी है। बट इस तरीके का इजी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता। हमेशा मैं एक ही बात बोलती हूँ कि आप ना टर्मिनल एक्सरसाइज को हमेशा सॉल्व करना, टर्मिनल एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और दूसरे इन क्वेश्चंस की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। और एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जरूर बताऊंगी, अगर आप इसको जिस तरीके से मैं यहाँ पर बताती हुई चल रही हूँ, जिस तरीके से तैयारी कर रही हूँ, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से वैसे ही पढ़ते हुए जाएंगे तो आप खुद ही देखिएगा आपके कितने अच्छे मार्क्स आएंगे 10th क्लास की मैथ में। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। यहाँ पर आपको डिग्री डिटरमाइन करनी है। सो यहाँ पर आपको एक टर्म नहीं दे रखी है, यहाँ पर आपको 2 टर्म दी हुई हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 5x6 y4+1, ठीक है, एक टर्म ये होगी, दो टर्म ये होगी, दूसरी टर्म ये होगी। अगर यहाँ देखोगे तो x की पावर कितनी है, 6, और y की पावर कितनी है, 4। तो टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी, 10। तो इस आपकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये दे रखी है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, सो डिग्री 6+4=10। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री होती है। एक्स की पावर कितनी है, 6, वाई की पावर कितनी है, 4, ठीक है। तो इन सबको ऐड करके क्या हो जाएगा, हमारे इस पूरे पॉलीनोमियल यानी कि इस टर्म की क्या हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर भी सेम है, एक्स की पावर यहाँ बन दी हुई, देखो इसको तो लेना नहीं है, हमें क्या लेना है, सिर्फ पॉलीनोमियल जिस वेरिएबल को देखना है। इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, वाई की पावर कितनी है, 3, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। ये देखिए 4 देर की पावर, ठीक है, तो डिग्री कितनी है इसकी, 4। यहाँ पर x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, डिग्री ऑफ x इक्वल्स टू 2, डिग्री ऑफ y इक्वल्स टू 2, यह हमें दिया हुआ है। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए x प्लस वाई की पावर 2 भी हम लिख सकते हैं,
ठीक है, इस तरीके से हमारे होल स्क्वायर में भी हो सकता है, अलग अलग हमने लिख रखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, हाईएस्ट हम डिग्री लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 2। इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना कि 2 और 2 4 नहीं करना, यहाँ पर कितनी हो जाएगी डिग्री, 2 हो जाएगी, यानी कि हम इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ठीक है, जो कॉमन होंगे तो हम यहाँ पर 1 ले लेंगे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी लिखा था, तो आप उन वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। मैंने उसमें पूरा मतलब क्लियर कराया स्टार्टिंग के चैप्टर, इसलिए ही थोड़ा सा टाइम लगा, बट अच्छे से मैंने उसमें समझाने की कोशिश की थी आपको। उसके बाद में जो क्वेश्चन हमारा है वो है फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 1 वाई की पावर 2 माइनस 3 एक्स वाई प्लस 4। अब ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इस वाली टर्म के अंदर हमें एक्स की पावर कितनी दी हुई है, 2, और वाई की पावर कितनी दी हुई है, 1, तो कितनी हो जाएगी पहली टर्म में, 3। ठीक है, उसके बाद में प्लस यहाँ पर एक्स की पावर कितनी दी हुई है हमें, 1, वाई की पावर कितनी दी हुई है, 2, तो यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, माइनस में एक्स की पावर कितनी है, 1, और वाई की पावर कितनी है, 1, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2। तो पहले तो हमें अगर दो चीज़ कॉमन आ जाती है तो उनमें से एक ले लेते हैं, मान के चलिए 3 ले ली, फिर एक डिग्री हमारी कितनी है, 2। तो जो हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट पावर ली जाती है, ठीक है, इस तरीके से 3-4 टर्म ऐड कर रखी हो, एक टर्म ये होगी, दूसरी टर्म ये होगी, तीसरी टर्म ये होगी, चौथी टर्म ये होगी। ठीक है, तो अगर हमसे एक टर्म की पूछी जाए तो हम डायरेक्टली बता देते हैं, लेकिन अगर सभी टर्म में से पूछा जाए तो जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, जो भी आपके पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट क्या होगी, 3। तो हम क्या करेंगे, 3 हमारी क्या होगी, इसकी डिग्री होगी, यानी कि इस वाले पॉलीनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी 3। ठीक है, तो यहाँ पर दे भी रखा है। इसमें हो सकता है कि बच्चों को काफ़ी डाउट भी आए हों कि यहाँ पर पीछे ऐड कर रखा था और यहाँ पर क्या नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि 2 अगर कॉमन आ जाती है तो उनमें से एक ले लेंगे, और अगर कॉमन भी ना लिया जाए तो यहाँ पर सबसे जो हाईएस्ट होती है वो 3 होती है। ठीक है, तो इन सब में 3 हमारी क्या है, हाईएस्ट पावर है, तो 3 हमारी यहाँ पर डिग्री होगी इसकी। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो आता है, इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फॉर इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 फोर एक्स इक्वल्स टू 5। हमें क्या करना है, एक्स की जगह पे 5 रखना है, तो एक्स की जगह पर मैंने 5 रखा, स्क्वायर किया माइनस 25, तो 5 5 जो 25, माइनस का 25 किसके इक्वल है, 0 के। हमें बस इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू रखी है इक्वेशन में और सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 5। अब x हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, माइनस के 2 के, तो यहाँ रख देंगे, देखिए माइनस का 2 यहाँ पर इसके लिए स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 माइनस के 2 माइनस के 5। अब इसे किस तरीके से करेंगे, हम एक चीज़ ध्यान रखिए, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस में 3 इंटू माइनस 2 माइनस के 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है जब मल्टीप्लाई होता है, तो 2 2 जो क्या आ जाएगा, प्लस का 4। अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस माइनस, देखिए प्लस का 3 है माइनस का 2 है, तो 3 2 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 6 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, ठीक है, और माइनस का 5, तो 4 माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये कितना जाएगा, माइनस का 11। अब माइनस के 11 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 7, तो हमारे पास माइनस का 7 बचेगा, बिकॉज बड़ा हमारे पास 11 है माइनस का, तो माइनस का 7 बचेगा, ये इसका आंसर होगा, ये रहा हमारे पास माइनस का 7 बच रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें बाकी के क्वेश्चन भी करने हैं, हमें एक्स की वैल्यू रखनी है इसमें इक्वेशन में, और उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, जैसे कि हमें दिया 2/3 एक्स क्यूब प्लस में 4/5 एक्स स्क्वायर माइनस के 7/5, और हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है माइनस के 1। अब हमें क्या करना है, माइनस के 1 हमारे एक्स की वैल्यू, तो एक्स की जगह पे ये रख देंगे 2/3, एक्स की जगह पे हमने रखा माइनस का 1 का क्यूब कर दिया, प्लस 4/5, एक्स की जगह रखा माइनस का 1 का स्क्वायर कर दिया, माइनस का 7/5 आ गया। अब हमें 2/3 यहाँ ब्रैकेट में माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, मैं इसको इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि यहाँ पर आगे अगर कोई बड़ा इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए ये 2/3 है ही लिखा, पहले वाले इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, इस वाले माइनस से तो ये वाला माइनस कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा,
ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर दो के पेयर बनते तो यहाँ पर से माइनस कट जाते, पर तीसरा माइनस का दो ये क्या हो गए, प्लस में हो गए, तो प्लस माइनस क्या होते हैं हमेशा माइनस। प्लस में यहाँ करेंगे 4/5 है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई माइनस माइनस के हो जाएंगे कैंसिल, तो ये प्लस में आ जाएगा माइनस का 7/5। हमें लगता है ये छोटी कैलकुलेशन है, लेकिन इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन भी हमारा ना गलत हो जाता है। 2/3, अब जब हम इसको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस के 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, प्लस 4/5 माइनस का 7/5। अब हमें क्या करना है, इन सबको प्लस माइनस करना है। तो हमने देखा था कि पिछली वीडियो में किस तरीके से हम हमारे रैशनल नंबर का वो करते हैं, तो यहाँ पर हम 3, 5 और 5 इनका एलसीएम ले लेंगे। 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा 5, 3 5 जा 15, 15 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 4 लिख देंगे, ये माइनस का 7 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 3 5 जा 15, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 3 जा 15, सेम यहाँ पर भी होगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 15। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो माइनस लेकिन साइन माइनस का आएगा, 21 और ये कितने हो जाएंगे 31, प्लस में 12 डिवाइड बाय 15। अब इसमें यहाँ से लेस कर देंगे, 31 में से जब हमारे जाएंगे 12, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 19, यानी कि माइनस के 19 अपॉन में 15। तो हमारे जो इसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा, हमारे कौन से क्वेश्चन है ये वाला, देखिए 19 बाय माइनस के 19 बाय 15 हमारा इसका सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है, ये आ गया आपका माइनस के 19 अपॉन में 15। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन था, इसी तरीके से सेम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी है, यहाँ पर ये अपॉन में था यानी कि फ्रैक्शन में था, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन करके आपको दिखा दिया है। बाकी का सेम क्वेश्चन है दूसरा वाला, आप यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ईजिली हम इसको कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आपका जो 5th क्वेश्चन है उसमें बोला है, वेरीफाई दैट ईच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इक्वल्स टू 3 इज अ जीरो ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जीरो का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6। इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो ये इक्वेशन किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, और इसी इक्वेशन के अंदर मैं अगर x की वैल्यू 3 रखूं तब भी अगर ये 0 के इक्वल आ जाती है सोल्व होने के बाद में, तो ये दोनों जो हैं वो इसके इक्वेशन के क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोस होंगे। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x हमने रखा प्लस में 6, तो पॉलिनोमियल हमने x को ही माना है इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस में 6। p की जगह x की वैल्यू कितनी है हमने मानी, पहले 2 मान ली, तो हम x की जगह पर 2 रख देंगे, 2 रख दिए यहाँ पर प्लस में 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4 5 2 जा 10 प्लस का 6। ठीक है, 4 माइनस 10 में 6 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, 4 माइनस के 4 बचेंगे हमारे पास, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 4 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 0। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास जो दूसरा है, हम सेम इसको यहाँ पर करके देखेंगे, x इक्वल माइनस 5x प्लस 6, एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे यहाँ पर, सॉरी p x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस में 6। अब यहाँ पर हम रखेंगे p, एक जगह हम रखेंगे 3 इसकी वैल्यू। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 × 3 प्लस में 6, 3 3 जा 9 माइनस के 5 3 जा 15 प्लस में 6, 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9, तो यहाँ पर 9 - 9 = 0। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, अगर ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है 3, 2 वैल्यू रखने पे, इसमें पूरी इक्वेशन में 0 के इक्वल आ जाती है, 3 रखने पे 0 के इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब ये है 2 और 3 इसके क्या है, जीरोज है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सॉल्व करी एक्सरसाइज 3.2, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।